नेक्स्ट आता है नर्वस टिश्यू। ऑल सेल्स पजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड स्टिमुलाई। तो सभी की सभी सेल्स में क्या एक एबिलिटी होती है कि वो किसी भी स्टिमुलाई, स्टिमुलाई का मतलब कोई भी रीजन हो जिस वजह से वो उन्हें मूव करा जा सके। तो कोई भी रीजन हो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करती हैं वो, कि उनको आदेश दिया जाए तो उसे रिस्पॉन्ड करती हैं। हाउएवर सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज फॉर बींग स्टिमुलेटेड। तो जो नर्वस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो हाईली स्पेशलाइज होती हैं किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड करने में, स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने में। स्टिमुलस क्या है, जैसे खाना आता है तो आपको देख के अच्छा लगने लगता है, आपके को लगता है कि मैं इसे खा लूँ, तो ये क्या है स्टिमुलस, खाना देख के आपको जो लगा तो ये स्टिमुलस होता है। एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर विद इन द बॉडी। तो इनका काम क्या है कि रिस्पॉन्ड करना और उसे ट्रांसमिट करना स्टिमुलस को, कैसे, बहुत तेजी से एक पार्ट के बॉडी से दूसरे पार्ट तक, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। तो हमारा जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सेल्स, ये किसके हैं, ये आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। तो जो ये सारे की सारी चीजें हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये सब किससे बनी है, नर्वस टिश्यू से। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स। तो इसका इसको जो है हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। तो न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स बोलते हैं। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो न्यूरॉन में, न्यूरॉन में क्या होता है, अ सेल बॉडी होती है और एक न्यूक्लियस होता है एंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भी होता है, फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज। तो इससे कैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर इससे निकल रहे होते हैं। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज सिंगल जॉइंट पार्ट प्रोसेस कॉल्ड द एक्सॉन। तो इनका जो है क्या होता है, हर एक न्यूरॉन में एक जो है क्या होता है, सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है, एक सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस कॉल्ड द एक्सॉन्स, इसे एक्सॉन भी बोलते हैं। एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट प्रोसेसेस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। और छोटे छोटे कई पार्ट होते हैं, छोटे छोटे कई पार्ट होते हैं, ब्रांच पार्ट्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। तो पहले ये इसको देख लेते हैं एक बारी। तो ये आपकी क्या है, न्यूरॉन या यूनिट ऑफ, तो न्यूरॉन है यानी सिंगल सेल है, तो ये क्या है, यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। तो देखिए यहाँ क्या दिखा रखे हैं, नर्व एंडिंग्स दिखा रखे हैं, यहाँ क्या दिखा रखे हैं, नर्व एंडिंग्स। और यहाँ देखिए आप, देखिए कितने सारे डेंड्राइट्स हैं इसमें, कई सारे डेंड्राइट्स हैं। यहाँ इसका एक न्यूक्लियस है और इसमें ये क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म, और ये सेल बॉडी, सेल की बॉडी। तो अगर इधर देखेंगे तो ये आप देखेंगे, ये देखिए टुकड़े टुकड़े हैं, लेकिन टुकड़ों में जो है बीच में पार्ट्स में जो है ये एक सिंगल एक्सॉन जा रहा है, यानी सिंगल लॉन्ग पार्ट। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा एक एक्सॉन जा रहा है, पूरा एक्सॉन है। तो इसे एक्सॉन बोलते हैं क्योंकि ये सिंगल पार्ट है और ये पूरे में, एक पूरे न्यूरॉन में पूरा एक्सॉन जा रहा होता है। एन इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। तो एक सिंगल नर्व सेल कितनी बड़ी हो सकती है, मीटर लॉन्ग, एक मीटर की, 100 सेंटीमीटर जितनी बड़ी भी हो सकती है। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टूगेदर बाई कनेक्टिव टिश्यू मेक अप बाई अ नर्व। तो जो नर्व फाइबर्स कैसे जुड़े होते हैं, कई सारे नर्व फाइबर्स बाउंड टूगेदर बाई कनेक्टिव टिश्यू मेक अप अ नर्व। तो जब नर्व फाइबर्स है कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए, वो क्या फॉर्म करते हैं, नर्व। तो नर्व में नर्व फाइबर्स हैं और किससे जुड़े हुए हैं, कनेक्टिव टिश्यूज से। द सिग्नल दैट पासिस अलोंग द नर्व फाइबर्स इज कॉल्ड अ नर्व इम्पल्स। तो जो सिग्नल होता है जो इसके थ्रू पास होता है उसे क्या बोलते हैं हम, नर्व इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब कोई भी चीज आना, तो नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्सिस अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। तो जो ये नर्व इम्पल्सिस है वही क्या करती हैं, हमें अलाउ करती हैं टू मूव आर मसल्स, अपनी मसल्स को मूव करना जब हम चाहते हैं। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व
एंड मसल टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। तो जो इनका कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन फंक्शन करता है नर्व सेल्स का और मसल सेल्स का, या नर्व टिश्यू का या मसल टिश्यू का, वो फंडामेंटल यानी वो बहुत इंपॉर्टेंट है ज्यादातर एनिमल्स के लिए। अगर हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे कि कैसे जो है हमारी मसल्स मूव होंगी, तो कौन हेल्प करता है? नर्व सेल्स। अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। दिस कॉम्बिनेशन इनेबल्स एनिमल टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो ये क्या हेल्प करता है? एनिमल्स को हेल्प करता है ज्यादा तेजी से मूव करने में इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जब कोई चीज सामने आ जाती है, जैसे कि अगर जंगल में हिरन है, हिरन के सामने शेर आ जाए, तो इसे क्या बोलेंगे? स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या मतलब? उसके सामने कोई ऐसी चीज आ गई जिससे उसे भागना चाहिए, जिसको उसे रिएक्ट करना चाहिए। स्टिमुलाई क्या होता है? ऐसी कोई चीज जिसके लिए उसे रिएक्ट करना चाहिए। तो ये क्या करता है? एनिमल को इनेबल करता है जिससे कि वो जल्दी से तैयार होकर भाग जाए, मूव कर सके। तो अब कुछ क्वेश्चन है। नेम ऑफ द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन द बॉडी। तो कौन सा टिश्यू होता है आपको पता है? अभी पढ़ा है किस टिश्यू से मूवमेंट होता है। What does a neuron look like? तो यही रहा, न्यूरोन दिखा रखा है। कैसा दिखता है? आप लिख देंगे कि एक सिंगल एक्सॉन है और कैसे ब्रांच स्ट्रक्चर है। Give three features of cardiac muscle. अभी हमने ऊपर ही पढ़ी है कार्डियक मसल्स के क्या क्या फीचर होते हैं, ठीक है? तो आप लोग लिखेंगे। और लास्ट क्या है? What are the functions of areolar tissue? तो areolar tissue पढ़ा था हमने, जो स्किन और जो है अदर टिश्यूज के बीच के स्पेस को भरता है, उसके बारे में यहां लिखेंगे कि उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, वो क्या क्या काम करता है एरियोलर टिश्यू। अब एक बार ही हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो टिश्यू क्या होता है? एक सेल्स का एक ग्रुप है जिसका स्ट्रक्चर यानी देखने में और फंक्शन में वो कैसा होता है? सेम। प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू मेन टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। तो प्लांट टिश्यूज कैसे होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक होते हैं और दूसरे कैसे हैं? परमानेंट। तो दो टाइप के प्लांट टिश्यूज हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजंस ऑफ द प्लांट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा है? ये डिवाइडिंग टिश्यू है, डिवाइड होता रहता है, और ये कहां प्रेजेंट होता है? ग्रोइंग रीजंस में, ग्रोइंग रीजन्स में प्लांट के। परमानेंट टिश्यूज आर डिराइव फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वंस दे लूज एबिलिटी टू डिवाइड। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी एबिलिटी लूज कर देते हैं, अपनी एबिलिटी लूज कर देते हैं किस चीज की? कि वो डिवाइड होने की, अब वो और डिवाइड नहीं हो सकते, तो क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यू। दे आर क्लासिफाइड एज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो उनको कैसे पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है इन्हें, परमानेंट टिश्यू को? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा आर थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। तो ये क्या है? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये कैसे हैं? सिंपल टिश्यूज हैं। और जाइलम एंड फ्लोएम आर टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो जाइलम और फ्लोएम कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा कैसे हैं? सिंपल टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं। एनिमल टिश्यूज कैन बी इपिथिलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू के क्या क्या टाइप है? इपिथिलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। तो ये एनिमल टिश्यूज के टाइप हैं जो हमने पढ़े। Depending on shape and function, epithelial tissue is classified as squamous, cuboidal, columnar, ciliated and glandular. तो उनकी shape और function के हिसाब से epithelial tissues के कौन कौन से type थे? Squamous यानी skill like, cuboidal cube जैसा था, box जैसा, column जैसा था, ciliated था और glandular जो glands में है। तो इस type से ये epithelial tissue के types थे। Different types of connective tissues in our body include areolar tissue, adipose tissue, bone, tendon, ligament, cartilage and blood. तो connective tissue क्या है हमारी body में? Areolar tissue है, adipose tissue है, bone है, tendon है,
लिगामेंट है, कार्टिलेज है एंड ब्लड है। तो ये डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज है बॉडी में, स्ट्राइएटेड एंड अनस्ट्राइएटेड, यानी जिनमें स्ट्राइप्स है, जिनमें बैंड्स हैं और जिनमें बैंड्स नहीं है। एंड कार्डियक्स आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। तो ये स्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड एंड कार्डियक्स आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल टिश्यूज। ये किस टाइप के टिश्यू है? मसल टिश्यूज। नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स दैट रिसीव एंड कंडक्ट इम्पल्सिस। तो नर्वस टिश्यू किससे मिलकर बनता है? न्यूरॉन से। सिंगल सेल को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन क्या काम करता है? सिग्नल को रिसीव करता है और कंडक्ट करता है। इंपल्स का मतलब एक तरीके से आप सिग्नल भी ले सकते हैं, जैसे ही सिग्नल आया तो ये रिसीव और उसे आगे बढ़ाता है। तो इस टाइप से ये नर्वस टिश्यू काम करता है। तो अब ये चैप्टर खत्म हो गया है, आप लोग इसकी एक्सरसाइज अपने आप कर लेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर।